फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा जग में रोशन मेरा राज दुलारा। मेरे घर आई एक नन्ही परी, चांदनी से हसीन रथ पर सवार, उसकी बातों में शहद जैसी मिठास, उसके आने से मेरे आंगन में खिल उठे फूल, गुनगुनाई बहार, देखकर उसको जी नहीं भरता, चाहे देखूं उसे हजारों बार। दो गानों के ये बोल सभ्य समाज में एक छोटे से परिवार की कहानी को बयां करते हैं। बच्चों की किलकारी माँ बाप के कानों में जैसे ही गूंजती है तो तनाव और थकान दूर हो जाता है। वो हंसते हैं तो माँ बाप हंसते हैं, वो परेशान होते हैं तो लगता है जैसे सारा जहां ही परेशान है। छोटी सी चोट देखकर कलेजा जैसे मुंह को आ जाता है। बड़े होते बच्चों में माता पिता को जैसे अपना भविष्य दिखलाई पड़ने लगता है, लगता है कि एक दिन बुढ़ापे में वो उनका सहारा बनेंगे, फिर किसी बात की कमी नहीं होने वाली। हंसी खुशी बीतेगा वो बुढ़ापा जो हर किसी को आना है, उन बच्चों को भी जो आज बच्चे हैं, कल बड़े होंगे और परसों बूढ़े। शरीर भी जर्जर होगा और एक दिन साथ छोड़ जाएगा। फिर चारों तरफ शांति, फोटो पर टंगी लकड़ी के फूलों की माला और हर साल श्राद्ध का सिलसिला। सवाल उठता है कि आखिर समाज जा कहाँ रहा है? बच्चों के प्रति सारा दायित्व और बूढ़े होते माता पिता की एकदम से अनदेखी। जरूरत जैसे सिर्फ बच्चों की हो, बूढ़े और शरीर से कमजोर होते बुजुर्गों की नहीं। मदर्स डे फादर्स डे पर सोशल मीडिया ऐसे भर जाता है जैसे वृद्ध आश्रम खाली हो चुके हैं या फिर अब समाज में इनकी कोई जरूरत नहीं बची। लेकिन केवल माता पिता के नाम पर एक दिन मनाने वाले इस दिवस को कब से रोजाना मनाया जाएगा? ये सवाल सिर्फ सवाल है, ये सवाल समाज को आईना दिखाता है। यूं तो ऐसे वाक्यों से पूरा समाज भरा पड़ा है, लेकिन हाल ही में मेरठ में एक बुजुर्ग के साथ जो हुआ या जो सामने आ रहा है, उसने मानवता को ना सिर्फ कलंकित कर दिया बल्कि सभ्य समाज की कल्पना को तार तार करके रख दिया। आइए पहले देखते हैं उस बुजुर्ग को जिसकी बुजुर्गियत और सभ्य कहलाने वाले असभ्य बच्चों, जिसमें बुजुर्ग की बेटी भी शामिल है, उनकी क्या हालत बना दी है। बोलना दीदी, अब रुक। मैंने भाई ऐसे बिस्किट दो दिखा दिया यार, ये खाली बिस्किट का क्या कर रहे हो? लो पहले आप एक एक करके खाओ, पूरे पकड़ा दो बिस्किट पहले ना, बिस्किट के मैं बता क्या होगा। लो ये भी लो, खाओ तो इसका होएगा जो होगा। अब कहाँ गए वो धर्म के ठेकेदार जो आई है, तब भी इसी अवस्था में पड़ा है, दंगा होके यहीं पड़ा है, गेट खुले पड़ा है, जब लाइटिंग में जाया नहीं जा रहा, जो मुझे धर्म के ठेकेदार बताया था। अब देखो वीडियो बनते क्या चंदा ढक रहा है अपने आपको, अब क्या को ढक रहा है? कपड़े क्यों नहीं पहने जा रहे तुमसे? कपड़े पहनो, जो वो संस्था संचालक आई थी कल्पना पांडे, तुम्हारी लड़की आई थी, उसने कही थी कि कपड़े पहनो, ये चंदा ढक ढक के क्या हो रहा है, ये कपड़े नहीं दे रखे पहनने को। बेटी माँ बाप के संस्कारों का आईना होती है, लेकिन यहाँ ये आईना कुछ और ही दिखा रहा है। सारथी संस्था की मदद से संपूर्ण घटनाक्रम को उजागर करने वाली बेटी मीनाक्षी का अपने भाई और बाप के प्रति रवैया कैसा रहा, आइए पहले वो भी देख लेते हैं। यहाँ हम मीनाक्षी द्वारा बाप और भाई के प्रति जो अभद्र शब्दों को इस्तेमाल किया जा रहा है उन्हें बीप कर दिया है, क्योंकि वो सुनने लायक है नहीं और सुनने भी नहीं चाहिए। जान से लग दे रही हूँ। हाँ बस अब अंदर बैठ, खाना मिलेगा यही, सब कुछ यही मिलेगा। यहाँ पे तो चार रोटी दियो, और ये जरा सी बात करे, मुझे बता दियो इतनी सी बात करे तो सही है, बस ध्यान रखियो। जा रही हूँ, जब कुछ बात हो तो मुझे बता दियो। बदतमीजी करेगा फिर, बदतमीजी करेगा मुझे फोन करियो। तू तू क्या करेगी? मैं तुझे ले जा सकती हूँ ना, ट्रांसपोर्ट के लिए कर सकती हूँ, तो इधर तो लगा देंगे बुढ़ा। कुछ नहीं कहने के, मैं कह रही हूँ ना, तू मुझे फोन करियो। अभी तो ताले में रखा, खुलने रखना। अब नू मान ले भैया, मैं तो अभी खुला हुआ है, इसे चाय नाश्ता देगा। कहीं नहीं जाना, मेरी बात सुन, पहले मेरी बात सुन। अब मैं चाय नाश्ता देगा, हम दोनों को जाना जरा इसके यहाँ जिसकी डेथ हो गई वहाँ पे। हाँ, जहाँ जाना पड़ेगा वो तो खैर अर्जेंट है। अभी मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि कल को, अभी यहाँ से बैठे बैठे एकदम निकल लिया बाहर को। सुन मैं बता रही हूँ, कहीं से जाना नहीं, कुछ नहीं करना। पलंग यहाँ डालियो, इसका पलंग वो रहा देख, अभी सामने ही है। पलंग यहाँ डालियो, साइकिल हटा के पलंग यहाँ डालियो, इसे कहीं जाना नहीं है, इसे वहीं करा है, कोई नहीं
पानी की बाल्टी वहाँ रख दे, खाना पीना दे के इसकी लगा लो संकल और चले जाना आराम से। संकल लगा के जाऊंगा मैं, अगर संकल लगा के बंद करने के बाद अंदर इसने कुछ अपने आप को कर लिया, इसने कुछ कर लिया वो तेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं कह रही हूँ रिकॉर्ड कर ले मेरी बात, इससे तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैंने बात कर ली वहाँ पे। ठीक है, मैं कह रही हूँ ना तुझसे, बस बस तेरी वो कर, इसके ध्यान रखियो बस। बेटा शांतनु अब मीडिया के सामने अपने बाप पर बरसने को तैयार है। वो सवाल खड़े कर रहा है कि ऐसे हालात में जबकि उसके पिता नग्न अवस्था में रहना पसंद करते हैं, तो उनकी बहू यानी कि शांतनु की पत्नी कैसे वहां पर रह सकती है। अगर ऐसा है तो उसका सवाल वाजिब है, यदि नहीं तो बुजुर्ग की कहीं और रहने की व्यवस्था होनी चाहिए। आइए अब देखते हैं क्या कहना है शांतनु गोयल का। जिन हालातों में उन्हें बंद किया गया था उन हालातों को कोई नहीं जानता, जिस एज में वो हैं इस टाइम उन्हें समझाया भी नहीं जा सकता। वो इस वक्त ऐसी अवस्था में रहते हैं, शायद ही घर में उन अवस्था में उसे खुला रखा जाए। इस वो बिना कपड़ों के बाहर निकल जाते हैं। इन चीज़ों को इन्होंने ऐसा मुद्दा बना लिया कि खाली पेट वो भूखा प्यासा बंद कमरे में रखा है, वो इन्होंने कुछ नहीं दिखाया, सीधा आके बस ये दिखा दिया कि एक आदमी को बंद करके रखा गया है। झूठी कार्रवाई कराई। मैंने कल्पना जी से भी कही कि मैम आप एक बार ये तो देख लीजिए कि इस आदमी को क्यों इस तरीके से रखा गया है, या क्या इसके पीछे क्या वजह है कि जो मेरी वाइफ है वो घर में अकेली रहती है, इस वजह से इन्हें बंद करके रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि आपकी बहन की आदत कैसी है, बड़ी बहन की, और आपके पिताजी क्या है, लेकिन आप एक काम करो मुझसे एक छोटी सी रसीद कटा लो, आपका ये मामले ही रफा दफा हो जाएगा। मैंने उनसे कहा कि मैम मैं एक 8,000 रुपये कमाने वाला प्राइवेट जॉब करने वाला बंदा हूँ, मैं इस टाइप की रसीद नहीं कटा पाऊँगा। वो उन्होंने कहा 8,000 आप कमा दो, 5,000 की छोटी सी रसीद कटा लो। मैंने उनसे मना किया तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो फिर तुम्हारा भविष्य भी खराब हो सकता है, और उन्होंने आज जो कहा था मुझसे पैसे ना देने के लिए आज उन्होंने वही काम किया और मेरा भविष्य बिल्कुल बेकार कर दिया है। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि सारथी संस्था वालों से, अपनी बड़ी सिस्टर से, उन्होंने जो ये मेरे कलयुगी बेटा बनाने का आरोप लगाया या फिर ये न्यूज़ बनाई है, तो इस सबका क्या फ़ायदा हुआ, या तमाशा करने का क्या फ़ायदा हुआ। सामाजिक संस्था अगर किसी के घर जाते हैं तो पीड़ितों की मदद करें, किसी को पीड़ित ना बनाएं। हम लोग अभी एक बाबा जी के बंधक का जो मामला था उसमें हमें उनकी बेटी ने फ़ोन किया और हमें बताया कि मेरे पिताजी इस तरह से बंदी बनाए हुए हैं, पिछले 3 महीने से कमरे में कैद हैं, जहां पर ना लाइट है ना पंखा है, ना ही उनके लिए कुछ खाने पीने का सामान रखा हुआ है। तो ये हमें ये जानकारी मिली तो हम लोग उनकी बेटी के पास गए, और हमने जब वहाँ पर जाकर के देखा तो हमें वहाँ पर वही सिचुएशन बिल्कुल दिखाई दी। तो हमारा जो फ़र्ज़ बनता है वो सिचुएशन देखने के बाद वो यही बनता है मानवता के हिसाब से कि हम सबसे पहले उन बाबा जी को वहाँ से निकलवाएं। और हमने तुरंत ही उसके लिए पुलिस को फ़ोन भी किया और पुलिस ने हमें सहयोग भी दिया, पुलिस आई भी और उनको बाबा जी को वहाँ से निकलवाया। रात ही रात को जाकर पुलिस ने उनके कमरे में फ़ैन भी लगवाया, उनके लिए खाने का बंदोबस्त किया, उनको कपड़े दिए, सारे काम किए। तो इसके अंदर हमारी जो भूमिका थी सिर्फ इतनी थी कि हमें एक मानवता के नाते हमने ये काम किया। तो इसके अंदर हम कहीं से कोई गलत नहीं आते हैं, ये लोग हम लोग के ऊपर जानबूझ के बेबुनियाद जो है हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मैं यही कहना चाहूँगी। और अगर रही बात इन लोग की प्रॉपर्टी की, इन दोनों भाई बहन के, तो ये आपस में इन दोनों का मामला है, ये देखें प्रॉपर्टी, ये लड़का देखे या लड़की देखे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमारा काम सिर्फ वहीं तक का था जो बाबा जी को हमने सिर्फ मानवता के नाते उनको वहाँ से बाहर निकलवाना था, और हमने लड़के से कह भी दिया था कि आप इनको जो है अगर ये आपको लगता है कि मानसिक रोगी हैं तो आप इनका ट्रीटमेंट करवाइए, और अगर ये अगर आप लोग इनको नहीं संभाल सकते तो आप इनको वृद्धाश्रम में छोड़ आइए। तो बस हमने सिर्फ इतनी ही बात रखी इनके सामने, इससे ज़्यादा हमारा कोई मतलब नहीं, ना हमारा लड़के से मतलब ना लड़की से मतलब, और ये लोग जानबूझ के इसको और आगे बात को बढ़ाए जा रहे हैं, बेबुनियाद के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। यहाँ ये कहना भी उल्लेखनीय है कि कुछ पलों के लिए मिली आज़ादी की सांस लेते हुए नरेंद्र गोयल ने जमा लोगों को लिख कर दिया था कि मुझे स्टेशन या मंदिर छोड़ दो ताकि मैं चैन से वहाँ रह सकूँ। बुजुर्ग नरेंद्र का ये लिखना मात्र ही मौजूदा संस्कृति, सामाजिक ताना बाना और तार तार फूटे रिश्तों की कलाई खोलने के लिए काफी है। हालात ये है कि बेटा शांतनु जो आरोप लगा रहा है उसे देखते हुए बुजुर्ग नरेंद्र गोयल का वहां रहना और उसे रखना दोनों ही मुश्किल हो चुका है। वहीं बेटी मीनाक्षी जिस भाषा का इस्तेमाल करती दिखाई दे रही है उसने उस बेटी की परिकल्पना को धूमिल कर दिया, जिसमें एक माँ और बाप ये गाना गुनगुनाते हैं कि मेरे घर आई एक नन्ही परी। इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद कहीं ना कहीं एक बार फिर देश को वो बेटी याद आई है जिसने अपने बाप का सर
सबके सामने झुका कर रख दिया था। एक बेटी जो विधायक की बेटी थी साक्षी, सब उसका नाम जानते हैं, और यहाँ एक बेटी है मीनाक्षी। ऐसा क्या है जो बेटियां जिन्हें एक नन्ही परी का रूप माना जाता था वो आज अपने पिता अपने माता का इस तरीके से ख्याल रख रही हैं। देखना और इसे झेलना दोनों ही उस बुजुर्ग बाप की मानो अब मजबूरी बन चुका है। लेकिन इस पे आप क्या कहेंगे, समाज में ये जो बर्ताव माँ बाप के साथ हो रहा है इस पर आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। ऐसे ही और खबरों को लगातार देखने के लिए फर्स्ट बाइट के साथ जुड़े रहिए, हमें फॉलो कीजिए, फर्स्ट बाइट टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।